चलो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का सम, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको बोला गया है कि क्लॉक में सर जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप बोलोगे सर फाइंड आउट द एरिया स्वाइप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जो मिनट हैंड है उसका 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगा, तो बच्चा थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं जो ज्यादा क्लियर होगा। सपोज ये एक सर्कल है तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया, लेकिन गंदा सर्कल है वो अलग बात है। अभी आप बोलोगे सर ये सर्कल में से अभी हम क्लॉक बना देंगे क्योंकि हमारे समय जो ये सर्कल है वो क्लॉक है। तो ये जो है वो सपोज पहले यहां था, 5 मिनट के बाद यहां पहुंच गया, तो आप बोलोगे सर ये मिनट हैंड है तो वो समझना है कि हर एक एक मिनट में आगे बढ़ेगा। आप बोलोगे सर ये पूरा सर्कल को खत्म करने में 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं, तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर 60 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 360 को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? 360। आप बोलोगे सर 5 मिनट्स में मुझे वो यहां का एंगल चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? यहां का एंगल। ये हमें पता है आर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 16। आप बोलोगे 16, क्लियर है बच्चा? 16 नहीं बच्चा 14। देखो अभी ये गलती से भी 16 हो जाता तो हमारा आगे सम में कैलकुलेशन मिस्टेक होती, तो ये ध्यान में रखना ये भी 14 ये भी, क्योंकि रेडियस है इसलिए। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चा अभी लिखना थोड़ा वो गायब हो गया, बीच में से थोड़ा कट हो गया, लेकिन ज्यादा कट नहीं हुआ बच्चा। आप बोलोगे सर मिनट हैंड मेक एन एंगल ऑफ 360 इन 1 आवर, तो आप बोल सकते हो कि सर मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में पूरा 660 कवर कर सकता है, तो क्योंकि ये पूरा राउंड 12 से शुरू करेगा, 60 मिनट में मिनट हैंड वापस 12 पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो इसका मतलब बच्चा अभी क्या करना है? तो आप बोलोगे सर इसके आगे हमें क्या करना है? तो आप बोलोगे सर ये मिनट हैंड 360 कवर करता है, तो आप बोलोगे सर इससे आगे हमें वो जाना है कि 5 मिनट्स में ढूंढना है, तो हम लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल फॉर्म इन 5 मिनट्स। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम लिखेंगे 5/60 × 360, तो ये आप बोलोगे ये कट हो जाएगा, ये करोगे 6 तो 30 का एंगल बनेगा, और ये जो एंगल होगा वो 30 का, जैसे 30 का होता है तो आप बोलोगे सर ये तो अब आसान हो गया, सेक्टर तो है, देखो दो रेडियस और बीच में जो एरिया है वो ढूंढना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप बोलोगे सर लिखो θ/360 × π r² थीटा जो है वो 30 है, ये 360 है, ये पाई 22/7, आर जो है हमारी रेडियस वो जो 14 हम लिख देंगे 2 बार, ये क्लियर बच्चा? तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये कट हो गया, अभी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर यहां से 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे 18, तो आप बोलोगे सर ये जो 18 आएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा, जैसे आप बोलोगे सर ये 2 से करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 होगा तो आप बोलोगे सर ये 3 से कट करो तो ये 3 आ जाएगा, तो अभी आप बोलोगे 11 × 14 करते बच्चा 4 1, और बाद में करेंगे तो ये हो जाएगा 154 / 3 cm², या सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आप बोलोगे सर ये क्लॉक ने 5 मिनट के अंदर इतना एरिया कवर किया होगा, ये मिनट हैंड ने, मतलब पहले यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 554/3 cm² है। बच्चा था सिंपल बहुत ही, आप प्रॉपर लिख लो, ये थर्ड नंबर का सम खत्म हुआ। इसके बाद हम फोर्थ नंबर का सम आगे बढ़ेंगे वन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से, जितना आप प्रॉपर लिखोगे उतना आपके लिए इजी होगा बच्चा, लिख के प्रॉपर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।